महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत, आत्महत्या या हत्या, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज। चक्रपाणी महाराज जी, नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद है और हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे और वो सनातन धर्म के एक योद्धा थे। हर विषय पे जिस प्रकार से बेबाकी से वो अपनी बात रखते थे, राष्ट्र रक्षा के, धर्म रक्षा के, गौ रक्षा पे, राम मंदिर के लिए, आतंकवाद के खिलाफ, तो हमेशा कहीं ना कहीं मुखर एक आवाज़ देने का काम करते थे। तो सनातन धर्म का एक वीर योद्धा थे। उनका इस देखिए जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन उनका इस तरह से जाना कहीं ना कहीं बहुत ही खल रहा है। क्योंकि अच्छा, जो आत्महत्या की बात आ रही है, कोई भी संत बड़ा संघर्ष से आगे बढ़ता है और जब संत बनता है तो लोग केशड़ावी तेसड़ा पुतेसड़ा का परित्याग करता है, तो कोई संत जल्दी आत्महत्या का निर्णय नहीं ले सकता। स्वामी जी, आपको लगता है कि जिस तरह से चिट्ठी आई है, एक व्हाट्सएप वायरल भी हुआ है, आपको लगता है कि कुछ साजिश हुई है इस पूरे घटना में? देखिए, ऐसा है, अभी तो इसको कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संदेह तो हाई हो रहा है। क्योंकि अब तो चूँकि पत्र भी आ गया, पत्र में कुछ नाम भी जिक्र भी किया है, उन्होंने क्या किया है, कुछ लोग गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो, एक तो परमात्मा जहाँ भी वो हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे, उनके लोगों जो है शुभचिंतक, उनको इस उभरने की शक्ति प्रदान करे इस दुख से। लेकिन उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर उन्होंने, अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए आत्महत्या भी किया, तो भारी दबाव में निर्णय, क्योंकि 7-8 पन्ने का कोई आत्महत्या करने वाला आप नहीं सुनेंगे कि इतने पूरी दस्तावेज लिखे तो लिख रहा है, इसका मतलब पूरी तरह से उन्होंने एकदम दुखी हो चुके थे, व्यथित थे, कोई अब वो नहीं है, उसके बाद लिखा। और तो अगर जो किया है तो आखिर उसके पीछे कौन है? और दूसरी बात यह है, अगर वो नहीं है तो फिर आखिर किसकी षड्यंत्र है? तो हर एंगल से हत्या की या आत्महत्या की या जो भी अपराध है, मतलब निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच, और मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं। हम अभी 2-4 दिन देखेंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र भेजूंगा, राष्ट्रपति जी को भेजूंगा कि उसकी उच्च स्तरीय CBI जाँच कराई जाए। जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था अभिनेता ने, तो उस पर CBI जाँच हुई, तो CBI जांच इसकी भी, नरेंद्र गिरी जी की हत्या की या आत्महत्या क्या है, इसकी CBI जांच के लिए मैं पत्र दूंगा। लेकिन पहले मैं देख लेता हूं कि क्या इसमें आता है, अगर जो सब कुछ साक्ष्य सही आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो, लेकिन अभी भी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। स्वामी जी, नरेंद्र गिरी जी के सियासी कनेक्शन भी कई सालों से देखने को मिले हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जी से। आपको लगता है कि ये सियासी कनेक्शन भारी पड़ा इनकी मौत? देखिए, हर व्यक्ति का जो अब वर्तमान परिस्थितियों में है, सरकार आती है जाती है, पक्ष विपक्ष सबके पास जाते हैं और ख़ासतौर से धर्मगुरु जो होते हैं उनके पास जाते हैं, तो सब आशीर्वाद लेने जाते हैं और आशीर्वाद सबको देना उनका कर्तव्य है। कोई भी महात्मा, हम लोगों के पास भी लोग आते हैं, तो उस पर वो नहीं है। लेकिन अब तो इसमें अब इसमें कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, जब तक जांच न हो जाए, जब तक इसके तथ्य सामने न आ जाए, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अब तो अपने बीच में रहे नहीं कि उनसे पूछा जाए, कि जाना जाए कि क्या हुआ था, परिस्थितियाँ क्या थी। अब यही है कि सरकार का दायित्व तो बनता है कि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि इस गुत्थी को सुलझाए और इसको जल्द से जल्द जो भी है उसको बाहर लाने का वो करे और उनके साथ न्याय करे। स्वामी जी, एक अंतिम सवाल, अयोध्या मसले पर आपकी बातचीत मिलते जुलते थे, कोई ऐसी बातें वाकया जो आपको उन्होंने बताई होगी ऐसा? देखिए, ऐसा है, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में आपको पता है हम भी एक पक्षकार थे, मेरा अपील नंबर 2633 था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो मैंने देखता था कि हमेशा वो सबल देने का काम करते थे, हमेशा मुखर होकर के उस धारा को, उसको मजबूत करने का काम करते थे, हमेशा समर्थन देते थे, हमेशा वो एक उनकी सोच जो है बड़ी पॉजिटिव थी, उनकी सोच एक बड़ा सकारात्मक रहता था धर्म के लिए खासतौर से। तो इसलिए राम मंदिर के लिए बहुत ही कृतसंकल्पित है और रहे अंतिम तक। अब यही है कि ये जो हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने साफ तौर पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और साजिश की बू आ रही है और CBI की जांच इसमें होनी चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।